हरे गेरी गेरी बिरखा भाया ते पाछा कहीं आ जा गेरी गेरी बिरखा भाया उठी पाछा कहीं जाओ उमन साची साची बात बताओ जियो तालियों के साथ में साची साची बात बताओ जियो साची साची बात बताओ जियो मख मख मारे कंवर अजी मारा रुणी चिरा राजा है लो सांबड़ो जियो रुणी चिरा राजा है लो सांबड़ो जियो मख मख गेरी गेरी बिरखा भाया पाछा कहीं जाओ ते मने सांची सांची बात बताओ आखिर में होयो कहीं है भगवान की कृपा हुई इतनो गेरो जमानो होने री आशंका है और गेरो जमानो वे थे आपने खेत में बाओला नहीं तो खाओ लगाई बोलो कहीं बात अब गावरा ठाकुर था कौन बोले के थे बांझिया एक 80 बरस ना डोकरा आगे आया हाथ पग धूजे और अजमाल जी महाराज रे सामने हाथ जोड़ कहो कि बाप जी आप तो ठाकुर हो आप तो मालिक हो आप तो अंदाता हो पर अरे थे तो अजमल जी बीरा बांझिया कही जो तू अजमल जी बीरा बांझिया कही जो भारा सुगन खराब घना होया जियो सुगन खराब घना होया जियो मख मख मारे कोबरी अजमान रूनी चिरा राजा हेलो सांबलो जियो मख मख मारे कोबरी अजमान बोले ठाकुर साहब अंदाता आप तो मालिक हो पर अंदाता आप बांझिया हो और बांझिया आज मेरा सुगन लेर खेत में जाने से बढ़िया है कि घरे आराम करो क्योंकि थारा सुगना सो कहीं निपजनो तो नहीं और थारे जड़ा बांझिया आज मेरा सुगन लेर खेत में मेहनत करने से मतलब कहीं अब देखो करसा आवड़ कावड़ शब्द कह दिया अजमाल जी महाराज रे पैरों नीचो बात सुन और धरती निकल गई किसान ने आडा टोडा बोलता बोलता अपने घर चला गया अजमाल जी महाराज धीरे 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 अपने घर पहुंचा जब पतिदेव ने मैनादेव जी उदास देखा तो बोल दियो पिया जी ओ सजना आप यूं आज बिलखा बिलखा लाग रहा हो कई बात है आप बड़ा दुखी हो आप मने बोलो अजमाल जी महाराज रे आंखें मुंह आंसू आ गया बोले रानी बांझियो के वेरे मारो मुख नहीं देखे
अरे बांजियों के वेरे मारो मुख नहीं देखे एड़ा कई पाप कमाया जियो एड़ा कई पाप कमाया जियो खम्मा 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 रे कबरी अजीमा रूनी चिरा राजा हेलो सांबलो जियो खम्मा 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 रे कबरी अजीमा देखिए अजमाल जी महाराज रोता थका आंखा में आंसोरी लड़ी बेवे अपनी रानी मेना देने कहने लगा बोला रानी इनसो चोको है कि भगवान मने ही दुनिया उठा ले बांजिया बांजिया करे। देखिए जब कभी भी आपके हमारे घर में कभी ऐसा मौका होता है तो पत्नी अपने पति को निश्चित रूप से धीरज बंधाती कि चिंता ना करो भगवान सब ठीक करेला। मैणा दे जी भी अजमाल जी महाराज ने समझाया बोले पियाजी चिंता ना करो ना आप 12 साल तक द्वारिकाधीश का दर्शन किया एक बार मैं बोल रही हूं 13वीं बार फिर चले आ जाओ और इन बार द्वारकारो नाथ आपने मंदरी इच्छा जरूर जरूर पूरी करेगा। बाजरी ने लाडू बना दिया अजमाल जी महाराज ने दिया बोले भगवान ने भोग लगाई जो और भगवान ने सच्चे मन से प्रार्थना कर जो अजमाल जी महाराज फिर द्वारिका रे रस्ते रवाना हो गया। सर्दी गर्मी बरसात उड़बाना पाड़ा थका पावों में छाला पड़ गया एक सांवरियारी आस लिया अजमाल जी महाराज बहता गया बहता गया बहता गया। एक दिन द्वारिकाधीश से मंदिर रे आगे जा हाथ जोड़ खड़ा हो गया बोले भगवान 12 साल तक आयो हमारी नहीं सुनी 13वीं बार फिर आ गयो और इस बार यदि नहीं सुनी तो थारी चौखट पर माथो पटक पटक मर जाऊला पर पाछो घर ना जाओ आर अरे हाथ जोड़ने अर्ज करूं जी हाथ जोड़ने अर्ज करूं जी आयो थारे बारने क्योंकि अरे दुनिया माने मोसा दुनिया माने मोसा बोले एकता बद दे माने मोसा बोले एकता बद दे कारने दुनिया माने मोसा बोले एकता बद दे कारने बोले केवे केवे अजमल सुन सावरा इतरो मत बन मुंजी और एक टाबरियो मने देवे एक टाबरियो मने देवे तो नहीं घटे थारी पूंजी और नहीं सुनेला विघ्न करूला हरी पूजा आरती में विघ्न करूला मर जाऊला लोगों रो भरोसा उठ जावेला थारे ऊपर सो कि एक भगत भगवान की चौखट पर मर गयो पाछो घर ना जाओ बहुत देर हो गई। अब भगवान रे आगे अजमाल जी सर पटक पटक रो रहा है
अजमाल जी महाराज जी ऊपर देखो तो भगवान की मूर्ति मुस्कुराती हुई दिखी, और जब मूर्ति ने मुस्कुराती हुई देखी अजमाल जी महाराज रो क्रोध और बढ़ गयो। अब और कुछ हो नहीं पास में, वे बाजरी का लाडू लाया भगवान ने भोग लगाने वास्ते। अजमाल जी महाराज रीस में वे बाजरी का लाडू भगवान की मूर्ति ने मार दिया। मंदिर का पुजारी जी दौड़ता दौड़ता भागता भागता है, बोले कि ठाकरा कहीं कुका मांडो मांडो है। अजमाल जी महाराज पुजारी बता दे कठे बार का रोना, दर्शन करीवाने आयो जियो, दर्शन करीवाने आयो जियो, अम्मा खम्मा खम्मा रे कवरे अजी मा। अब बोले पुजारी जी इतना साल हुआ हो आप सुबह शाम भोग लगाओ आरती करो, आपने तो पतो वेला कि भगवान कठे। और बड़ी रीस में जब पुजारी जी देखे ठाकुर ने तो पुजारी खुद डर गया, बोले बताओ नहीं तो एक मिनट में मंदिर खाली करो। पुजारी जी अब सीधो सीधो तो जवाब क्या देवे, कहो ठाकुर साहब गर्मी ज्यादा पड़ रही है, जेठ महीनो है और इतनी गर्मी भगवान ने सहन नहीं हुए, तो भगवान अभी समुद्र में विश्राम करने वास्ते गया है। पंडित बोलियो सुनो ठाकरा मूर्त आगे कहीं लड़ो, और सांवरिया सो मिलनो वे तो समुद्रिया में कूद पड़ो, क्योंकि इन सागर पीपा जी ने मिलिया चार गुजारदार ने, भगवान पीपा जी ने मिलिया थाने भी मिल जाती। पुजारी जी कह दियो कि ठाकरा समझ में नहीं आवे भगवान समुद्र में विश्राम करने वास्ते गया है। बोले इतनी बात सुनी अजमल ने समुद्रिया में कूद पड़ा, और सोने का तो महल देखा हीरा पन्ना खूब जड़ा, आए सांवरे दर्शन दीना सिर पर पट्टी बांधने, भगवान रे माथा ऊपर पट्टी बंधी हुई है, माथा ऊपर सु खून बह रहे है। अजमाल जी महाराज बड़ा हक्का बक्का हो गया, बोले भगवान की कर दो खबरा, मैं तो सुनियो तो कि आप तो बहुत बड़ा आदमी हो, आप तो इन तीन त्रिलोक का नाथ हो, आप तो बड़ा शक्तिशाली हो, और आप इतना बड़ा शक्तिशाली हो तो फिर आपने माथा ऊपर चोट कैसी है। भगवान मुस्कुराता कह दिया कि अजमाल थारे जड़ा कई बड़ा भगत ही दुनिया में है। बोले भगवान हो कहीं, बोले कोई भगत मारे लाडूरी मार दी। अजमाल जी बोलिया भगवान मैं तो भी मूर्ति ने मारी आपने चोट कटू लागी। तब श्री हरि विष्णु अजमाल जी महाराज ने समझाया, बोले कि देख अजमाल उन मूर्ति में मारो वास नहीं होतो नहीं तो तू कोई 12-12 साल तक थोड़ी आतो। अजमाल जी महाराज भगवान के चरणों में गिर गया और भगवान ने हाथ जोड़न विनती करने लगा। अजमाल जी महाराज जब भगवान के चरणों में पड़ा तो भगवान अजमाल जी महाराज ने कहो कि अजमाल चिंता ना करना हरे बड़ो विरम दे वेला। अजमाल जी महाराज ने उस बात को ही पकड़ लिया, बोले भगवान बड़ो विरम दे वेला तो छोटो कौन वेला। तब श्री हरि विष्णु अजमाल जी महाराज ने कहने लगा, बोले जद चंदो करे बरस चौपनो नयो मास जग, बरस चौपनो मास भादवो नयो चांद जग फूगेला।
सुन री अजमल थारे पालड़े दो दो टाबर झूलेला ओ पानी रो तो दूध बनेला पानी रो तो दूध बनेला कुकु पगल्या आंगने भगवान के अवतार की बात है तालियों के साथ में दुनिया माने मोसा बोले एक टाबर रे कारणे दुनिया माने मोसा बोले एक टाबर रे कारणे रामदेव जी महाराज री बारात अब रुणीचा सो रवाना और अमरकोट पहुंची है ए गोपाल लाल में तो थारा रथड़ो मोड़ लो माजी सा थारो भगता कियो ताबदिया बुलावे माता आवो मारियो कंधे मिला के इन लोगों ने किया ये रमेश भंसाली जी है जो भी उनके जीवन के बहुत अभिन्न अंग रहे मैं चाहता हूं रमेश जी के लिए तालियां बजाएं और पूरे मंडल के लोग इनसे बड़ा प्रेम करते हैं इसलिए अहमदाबाद से आके यहां पर अपनी हाजिरी लगाते हैं ओ रथड़ो मोड़ दो माजी सा रथड़ो मोड़ दो माजी सा रथड़ो मोड़ दो माजी सा हरा भगता कियो ताबदिया बुलावे माता आवो मारियो माता आवो मारियो माता आवो मारियो ताबदिया बुलावे माजी सा आवो मारियो रथड़ो मोड़ तो माजी सा आरो भगीता कियो ताबदिया बुलावे माता आवो मारियो Oh!
अरे इसकी अम्मी है भाई। खींच लो नकेल थारे रथड़े की माजी सा, खींच लो नकेल थारे रथड़े की माजी सा, खींच लो नकेल थारे रथड़े की माजी सा। क्यों कोई ढीला छोड़ा थाने ले जासी कठे ओ, कोई ढीला छोड़ा थाने ले जासी कठे ओ, टाबरिया बुलावे माता आबो मारी ओ। अरे मैं कदसों अर्जी की नी थे नहीं सुनिया माजी सा, प्रार्थना पत्र है हे मां। मैं कदसों अर्जी की नी थे नहीं सुनिया माजी सा, मैं कदसों अर्जी केरी थे नहीं सुनिया माजी सा। कोई अर्जी पढ़ के माता कर लो थोड़ो गो, टाबरिया बुलावे माता आवो मारी ओ। आजा बेटा आजा। कोई अर्जी पढ़ के माता कर लो थोड़ो गो, टाबरिया बुलावे माता आवो मारी ओ। उड़ लो मोड़ दो सांवरिया हर भगता की ओ, टाबरिया बुलावे बाबा आवो मातियो। देखिए इनका नाम है बोरिया बाबा। ये कहते हैं कि साहब मैं शरीर से भगवान ने मुझे ऐसा बना दिया, और इनका कहना है कि मैं कुछ कर नहीं सकता। इसलिए ये बहुत पहले हमारे जागरण में आने शुरू हुए थे, तब उन्होंने ये कहा था कि जागरण में जाता हूं कलाकार कुछ पब्लिक से कुछ अनाउंस करते हैं, और पब्लिक से कुछ भी आ जाता है उससे मैं अपने माता पिता की सेवा करता हूं, ऐसा भाव लेके ये पहली बार जसोल में ये बाबू आए हैं। नाचते भी हैं थोड़ा बहुत भी, जो नाचते हैं दूसरी बार आए मेरे कार्यक्रम में पहले आए। मैं चाहता हूं आप लोगों में से जितना भी जिसका भी मन बने एक भजन में थोड़ा सा इनको नचा देते हैं, और दो पैसे आपके आएंगे तो आप अपनी माता पिता की सेवा में लगाइएगा। बोरिया बाबा का जोरदार तालियों से अभिवादन करें, धन्यवाद। अरे मैं कद सुवर जी पीनी के नहीं सुनिया माजी सा, मैं कद सुवर जी पीनी के नहीं सुनिया माजी सा, मैं कद सुवर जी पीनी ताले बजाए दोनों हाथों को उठा के, मैं कद सुवर जी पीनी के नहीं सुनिया माजी सा। कोई अर्जी पढ़ के माता कर लो थोड़ो गो, टाबरिया बुलावे माता आवो मारियो। सवाई सिंह से विनती, उड़ लो मोड़ दो राठौड़ी राजा भगता की ओ, टाबरिया बुलावे बाबो मारियो। चलिए मार चलिए आप।
बैठ दूरी पर माता में थारी बाट अडीबा माता में थारी बाट अडीबा बैठ दूरी पर माता में थारी बाट अडीबा कोई मारे घरा आवण खन लागे माता जो पर टाबरिया बोलावे माता आवो मारी मोदलो माजी सा अरो भगीता दियो टाबरिया बोलावे माता आवो मारियो पाला 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 चालो बाबो भली करेला पाला पाला चालो बाबो एक बार आंखों को खोल दे पाला पाला चालो बाबो भली करेला जो लोग खड़े उनसे मेरा निवेदन है हाथों को खोल के एक बार पाला पाला चालो बाबो हो पाला पाला चालो बाबो भली करेला राम रुणी चे बाड़ो बाबो भली करेला रुणीचे बाळो बाबो भली करेला राम रुणीचे बाळो बाबो भली करेला बड़े सुगड़ा दीदी लक्ष्मी जय हो राम रुणी चे बाळो बाबो भली करेला राम रुणी चे बाळो बाबो भली करेला I'm
सिर्फ ये सावन और भादवे महीना दो महीने ऐसे आते हैं कि पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में यदि कोई राजस्थानी भाई कहीं मिल जाओ, चाहे वो एयरपोर्ट पे मिल जाओ, बस स्टैंड पे मिल जाओ, यूं ही कहीं सड़क पे मिल जाओ, पूरे साल भर तो एक दूसरे का अभिवादन राम राम से करते हैं। लेकिन जब सावन महीना लगता है तब तो क्या बोलते हैं? कितने लोग बोलेंगे? सभी लोग है मन सभी का जय बाबा की करने का? कितने लोग नहीं बोलेंगे, आप खड़ा करें एक बार, जय हो। तो जय बाबा री एक बार उद्घोष के साथ में पीछे तक सभी लोग, भर देसी भंडार कदे नी कमी करेला जय बाबा। आवाज नहीं आई। भर देसी भंडार कदे नी कमी करेला, बहनों की नहीं आई। भर देसी भंडार कदे नी कमी करेला, राम रुणी चे बाळो बाबो भली करेला, राम रुणी चे बाळो बाबो भली करेला। राम रुणी जीवाणु बाबो भली करेला, निज भूमि पर अखंड धारा दिवड़ा जले, मां प्रकटो आपो सुनाया।
ओमे तो लायो चुनरी वो प्यारी, ओ प्यारी लागे वो माता जिर चुनरी, प्यारी लागे वो माता जिर चुनरी। भक्ति माता जी थारी चुनरी रंगा